अवर स्पेशल लेक्चर सीरीज टीवी जर्नलिज्म एंड प्रोग्राम प्रोडक्शन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ टीवी प्रोग्राम्स इट्स प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन आज टीवी कार्यक्रमों के निर्माण की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से उसका प्रोडक्शन होता है और किस तरह से टीवी में दिखाया जाता है यानी प्रेजेंटेशन इन सब के बारे में बात करेंगे तो टेलीविजन कार्यक्रम में जो प्रोडक्शन का स्टेज होता है यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है खासतौर पर गैर काल्पनिक विषयों के प्रोडक्शन के संदर्भ में यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गैर काल्पनिक घटनाओं की शूटिंग के बाद ही अंतिम पटकथा का अस्तित्व संभव हो पाता है शूटिंग की गुणवत्ता इस बात को तय कर देती है कि टेलीविजन प्रोडक्शन का अंतिम स्वरूप कैसा होगा जिसकी शुरुआती तौर पर कल्पना की गई थी इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ होता है कि जिस तरह के शो के कॉन्सेप्ट को आपने प्रस्तुत किया था जो आपकी स्टोरी लाइन थी क्या उस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है अथवा नहीं और यह सब तय होता है प्रोडक्शन के तीन चरणों में पहला चरण होता है प्री प्रोडक्शन अर्थात प्रोडक्शन के कार्यक्रम करने से पहले आपकी क्या क्या तैयारी है क्या आपकी स्क्रिप्ट पूरी है क्या आपका स्क्रीन प्ले है क्या आपकी शूटिंग की लोकेशन इंडोर या आउटडोर आपने तय कर लिया है बजट आपके कार्यक्रम का कितना है ये जितनी भी तैयारियां हैं ये प्रोडक्शन करने से पहले तय कर ली जाती हैं इसलिए इसको प्री प्रोडक्शन कहा जाता है वहीं अगर पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो ये शूटिंग या कहें कि रिकॉर्डिंग पूरा होने के बाद ही शुरू होता है कंप्यूटर ने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से न सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन को बेहद सरल किया है बल्कि इसकी क्वालिटी भी बेहद अच्छी कर दी है अब यहां पर बात करते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन में अंतर क्या है देखिए तीन तरह के स्टेप होते हैं पहला प्री प्रोडक्शन जिसमें आपको प्लानिंग का स्टेज होता है जिसमें आप अपने प्रोग्राम से संबंधित सभी तरह की तैयारी कर लेते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्टोरी फाइनल कर ली है लेकिन उसकी शूटिंग का लोकेशन फाइनल नहीं है या बजट फाइनल नहीं है या उसके करेक्टर्स का कुछ अता पता नहीं है आपको ए टू जेड सब कुछ अच्छे से प्लानिंग करनी होती है प्री प्रोडक्शन में प्रोडक्शन से पहले और वहां पर इसके बाद दूसरा स्टेप आता है प्रोडक्शन का जिसमें आपको स्क्रिप्ट के अनुसार स्टोरी के अनुसार फील्ड पर जाकर के आउटडोर शूट या इंडोर शूट वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टोरी की थीम क्या है उसके अनुसार उसकी शूटिंग होती है फिल्मांकन होता है कैमरा यूनिट आपके पास पूरी टीम होती है लाइटिंग की जाती है पूरा एक तरह से शो की स्क्रिप्ट के अनुसार आप उसको शूटिंग करते हैं उसका फिल्मांकन करते हैं और इसीलिए यह प्रोडक्शन का फेज होता है इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में जितना कुछ आपने शूट किया है उसको एडिटिंग की जाती है उसका संपादन किया जाता है जो कि कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स की मदद से होता है तो इस तरह से आप उसमें एडिटिंग करते समय स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकते हैं ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं और यह सब निर्भर इस बात पर करता है कि आपकी स्टोरी क्या है उसका थीम क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्या है तो पोस्ट प्रोडक्शन का यह चरण जो है रिकॉर्डिंग होने के बाद शूटिंग होने के बाद शुरू होता है अब बात करते हैं कि कितने तरह की आ, एडिटिंग होती है मुख्य तौर पर दो तरह की एडिटिंग होती है एक लीनियर एडिटिंग दूसरा नॉन लीनियर एडिटिंग अर्थात एक रेखीय संपादन अब एक रेखीय संपादन संपादन करने का एक पुराना तरीका है पुराना तरीका इसलिए क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है इसलिए अब नए तरीके की एडिटिंग होती है जिसको नॉन लीनियर एडिटिंग कहते हैं और यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से होती है और ये एडिटिंग करते समय इसमें काफी आसानी होती है क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो हम पहले बात करेंगे लीनियर एडिटिंग की उसके बाद नॉन लीनियर एडिटिंग की तो लीनियर एडिटिंग में क्या होता है कि आज से पंद्रह से बीस साल पहले इस तरह की रेखीय संपादन अर्थात लीनियर एडिटिंग का प्रयोग किया जाता था अब इसको आसान भाषा में कैसे समझे इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपने जितना कुछ आ, शूटिंग की है उसको एक रिकॉर्डेड टेप पर ले लिया इसके बाद दूसरे टेप पर इसको आपने कॉपी कर लिया फिर इस तरीके से एक बार में एक टेप से दूसरे टेप में विजुअल्स ऑडियो वीडियो और दूसरे जो आपने बाइट्स वगैरह ली हैं इन सब का ट्रांसफर कर लिया जाता है यानी यह प्रक्रिया एक ही सीधी रेखा के समान होती है इसीलिए इसको एक रेखीय संपादन कहते हैं लीनियर एडिटिंग कहते हैं अब इसमें क्या होता है कि एक बार में सोर्स वीडियो प्लेयर होता है और दूसरी बार में वीडियो रिकॉर्डर होता है और ये सब एक साथ प्रयोग किया जाता है इस तरीके से एक बार में एक टेप से ही दूसरे टेप में विजुअल्स ऑडियो और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो आपने शूट किए हैं वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं यानी ये प्रक्रिया एक ही सीधी रेखा के समान पूरी होती है ये पहले इस तरह की एडिटिंग की जाती थी और अब बात नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग की इसमें क्या होता है कि टेलीविजन के न्यूज चैनलों में लेकर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तक और यहां तक कि जो फिल्म प्रोडक्शन होता है उसमें भी कंप्यूटर पर आधारित डिजिटल नॉन लीनियर एडिटिंग का प्रयोग किया जाता है खास तौर पर इंडिया में इस एडिटिंग की शुरुआत साल 2000 के बाद शुरू हुई और आजकल लगभग सभी तरह के कार्यक्रमों की एडिटिंग नॉन लीनियर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स के मदद से की जाती है एक साथ इनपुट लेने और एक समग्र आउटपुट हासिल करने की सुविधा नॉन लीनियर एडिटिंग में होती है और इसका अर्थ क्या हुआ कि कई माध्यमों से सो आपके सोर्सेस हैं वो वहां पर विजुअल्स बाइट स्पेशल इफेक्ट्स ये सारी चीजें आ रही हैं और उन सबको एक साथ आउटपुट में उसको देखा जा सकता है अब इसमें मुख्य तौर पर तीन पहलू होते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग में मुख्य तौर पर तीन तरह के फेजेज होते हैं पहला होता है कैप्चर दूसरा होता है एडिट और तीसरा होता है आउटपुट अर्थात सबसे पहले आपको जो आपके विजुअल्स हैं जो फुटेज हैं, उनको जमा करना होता है इसके बाद उनको एडिट करना होता है और एडिटेड स्टोरी को आपको फिर स्पेशल प्रक्रिया के तहत आप अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि वेलोसिटी एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है एडोप प्रीमियर है एफ फाइनल कट प्रो दयांग और इनसाइट ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स हैं जो नॉन लीनियर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं लेकिन आप इस बात पर अगर ध्यान दें तो जो सैद्धांतिक तौर पर एडिटिंग का सिद्धांत है वो चाहे लीनियर का हो या नॉन लीनियर का हो वो एक समान है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर एडिटिंग करने की प्रक्रिया प्रोसेस नॉन लीनियर में डिफरेंट है और लीनियर में अलग है अब यहां पर आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना है जैसे कि न्यूज का आप एक उदाहरण ले लें आपने न्यूज स्टोरी की कवरेज के लिए रिपोर्टर बाहर गया है एक मिनट की स्टोरी अगर आपको बनाना है टीवी के लिए तो ऐसा माना जाता है कि छह मिनट के यानी यू शुड हैव द विजुअल्स ऑफ अप टू सिक्स मिनट्स इंक्लूडिंग ऑल द बाइट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर न्यूज स्टोरी अब छह मिनट में आपने विजुअल्स भी लिए हैं बाइट भी लिए हैं जबकि आपकी स्टोरी सिर्फ एक मिनट जानी है तो बाकी जो पांच मिनट के आपके विजुअल्स हैं या बाइट्स हैं, उनको एडिट करके आपको हटा देना होता है और ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर एफसीपी का अगर उदाहरण लें, तो फाइनल कट प्रो एक कंप्यूटर आधारित नॉन लीनियर एडिटिंग का सॉफ्टवेयर से तो सबसे पहले क्या होता है फील्ड में जाता है रिपोर्टर उसने विजुअल्स लिए बाइट्स लिए और इसके बाद ऑफिस वापस आता है फिर उसको इंजस्ट करना होता है वट डू यू मीन बाई द वर्ड इंजस्ट इंजस्ट मीन टू ट्रांसफर ऑल द विजुअल्स एंड बाइट्स फ्रॉम कैमरा टू कंप्यूटर कैमरे में जो रिपोर्टर ने विजुअल्स ली है बाइट ली है उसको ट्रांसफर करना कंप्यूटर पर एफ के सॉफ्टवेयर वाले कंप्यूटर पर ताकि उसको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग दोबारा उसको देखा जाए कि विजुअल्स कौन सा अच्छा है और बाइट कौन सी अच्छी है और इसके बाद अगर आपने मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक मिनट की बाइट ली है लेकिन आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ वो 25 सेकंड का हिस्सा इंपॉर्टेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं तो आपने बाकी उसको 25 सेकंड का जो 25 सेकंड बाइट है उसको रख लिया और बाकी का पोर्शन आपने उसको एडिट कर दिया इसलिए आपको इंजस्ट की प्रक्रिया भी आनी जरूरी है अब आपके विजुअल्स आ गए बाइट आ गए इसके बाद जो प्रोड्यूसर है उसने विजुअल्स को देखा बाइट्स को देखा और स्क्रिप्ट लिखी वी वन ओवर वन में क्या लिखना है बाइट में क्या लिखना है वॉइस ओवर टू में क्या जानना है फिर बाइट में क्या है और स्टोरी बैलेंस होनी चाहिए इसलिए अगर एक बाइट आपने के, स्टोरी के, के एक पक्ष की है तो दूसरी बाइट उसी स्टोरी से जुड़े दूसरे पक्ष की है तो इस तरह से आपकी स्टोरी बैलेंस होती है कई रिपोर्टर फील्ड में जाके पीटीसी भी करते हैं पीस टू कैमरा होता है उसको भी इनजस्ट करना होता है अब वो थर्टी सेकेंड मैक्सिमम थर्टी सेकंड में वॉइस ओवर के सबसे जो फाइनल वॉइस ओवर है उसके बाद में वो पीटीसी रखा जाता है इस तरह से एक या डेढ़ मिनट का आपका पैकेज न्यूज का पैकेज तैयार होता है तो यह जो प्रक्रिया है यह एडिटिंग के थ्रू की जाती है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वन रेशियो सिक्स यानी एक मिनट की अगर न्यूज स्टोरी बनानी है तो आपके पास विजुअल्स और बाइट जो टोटल मिला करके सिक्स मिनट की ड्यूरेशन का होना चाहिए तो इस तरह से हमने आपकी बात की कि वीडियो एडिटिंग की और क्या क्या इसमें प्रोसेस है तो आजकल एक नया प्रोसेस आ गया है वो है लाइव एडिटिंग का या ऑनलाइन एडिटिंग का यह प्रक्रिया ज्यादातर लाइव टेलीविजन कवरेज के दौरान की जाती है और इसमें पीसीआर अर्थात पैनल कंट्रोल रूम का विशेष महत्व होता है क्योंकि जब एक साथ कई सोर्सेस के साथ विजुअल्स आ रहे होते हैं बाइट्स आ रही होती हैं तो उनको सीधा प्रसारण कैसे करना है इस कला में पीसीआर में जो लोग काम करते हैं वो इस कला में पारंगत होते हैं एक्सपर्ट होते हैं उदाहरण के तौर पर कहीं पर आप लोग अक्सर देखते होंगे कि क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वो तो लाइव उसका प्रसारण होता है उसमें इतना समय नहीं मिलता है कि आप अलग से उसकी फुटेज को इंजस्ट करें और इसके बाद उसको एडिट करें तो ऑनलाइन एडिटिंग उसकी की जाती है कि जैसे जैसे विजुअल्स आ रहे हैं वैसे वैसे हम आपके दर्शक को उसका लाइव जो है ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सजीव प्रसारण कर रहे हैं दूसरा उदाहरण आप देखते होंगे कि हमारे रिपब्लिक डे पर परेड होती है उसका भी लाइव प्रसारण होता है कई जगह पर कई जो नेताओं की रैलियां होती हैं चुनावी मौसम में आप उसका भी लाइव प्रसारण देखते हैं तो वो सब ऑनलाइन एडिटिंग होती है और वो पीसीआर में उसका विशेष महत्व होता है क्योंकि एक साथ कई उसमें विजुअल्स आ रहे होते हैं अब कौन से विजुअल्स को कितना कट करना है कहां से लाइव लेना है ये सब तय किया जाता है प्रोड्यूसर की मदद से जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं वो उनका आपस का कोऑर्डिनेशन होता है और उसी के आधार पर लाइव प्रसारण किया जाता है सजीव प्रसारण किया जाता है तो वीडियो एडिटर का मुख्य कार्य क्या हुआ उसका जो मुख्य कार्य है वो है कि मोशन पिक्चर केबल और ब्रॉडकास्ट विजुअल ये सब मीडिया इंडस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साउंड ट्रैक क्या होगा फिल्म और वीडियो का संपादन कैसे करना है वीडियो एडिटर फिल्माए गए टेप में से विजुअल्स के सीक्वेंस को सिलसिलेवाल तरीके से यानी उसका सही सीक्वेंस क्या है उसके अनुसार दर्शकों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल इफेक्ट डालते हैं ग्राफिक्स डालते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं यह डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम का थीम क्या है कैटेगरी किस तरह की है ज्यादातर न्यूज की कैटेगरी में स्पेशल इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक से का प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि जो नॉन न्यूज कैटेगरी होती है जिसमें से एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं सीरियल्स होते हैं उन सब में कार्यक्रम के थीम के अनुसार उसमें स्पेशल इफेक्ट्स बैकग्राउंड म्यूजिक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है अब बात कर लेते हैं लाइटिंग की यह प्रोडक्शन फेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब आप शूटिंग में जाते हैं तो कोई भी कैमरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो कितना भी अच्छा डिजिटल कैमरा आपके पास क्यों ना हो अगर आपके पास लाइटिंग का सेंस नहीं है कैमरे का सेंस है लाइटिंग का सेंस है तभी आप अच्छी शूटिंग कर सकते हैं तो लाइटिंग अर्थात प्रकाश व्यवस्था क्या होती है प्रकाश यानी लाइट के बिना कैमरे की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है अर्थात जब तक प्रकाश यानी रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी तब तक कैमरे से शूटिंग कर पाना मुश्किल होता है कैमरा चाहे जिस तरह का हो उसको हर तरह से एक न एक लाइट चाहिए ही होती है जब लाइटिंग अच्छी होगी तभी कैमरे से अच्छी तरह से शूटिंग होगी तो लाइट के अनुसार पूरी लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जाता है और इसको मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है पहला हिस्सा होता है डायरेक्शनल अर्थात किस किसी एक खास दिशा में किसी व्यक्ति या वस्तु पर प्रकाश को केंद्रित करना है यानी जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट आपको डालनी है लेकिन वो किसी एक एक स्पेशल डायरेक्शन में है इसीलिए उसको कहा जाता है कि डायरेक्शनल लाइट है और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड लाइट अर्थात लाइट की एक ऐसा ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति वस्तु को केंद्र में न रख करके पूरे दृश्य पूरी पृष्ठभूमि को उसको प्रकाशित किया जाता है अब स्पेशल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो जब पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया वीडियो एडिटिंग हो गई अलग अलग तरह के जो साउंड इफेक्ट्स हैं उनको आपने शामिल कर लिया इसके बाद स्पेशल इस इफेक्ट्स की बारी आती है यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की मदद से एनिमेटेड तस्वीरें बनाई जाती हैं और ये काफी बहुत अट्रैक्टिव होता है आकर्षक होता है और यह किसी भी कहानी के प्रभाव में एक वृद्धि कर देता है इसलिए स्पेशल इफेक्ट अर्थात विशेष प्रभाव का विशेष महत्व है उदाहरण के तौर पर एक जनसंख्या बहुत बढ़ रही है हमारे देश में 130 करोड़ से ज्यादा हम लोग हो गए हैं तो जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है अब एक प्रोड्यूसर है जो कि जनसंख्या वृद्धि पर आधारित एक कार्यक्रम बनाना चाहता है जिसमें वो दिखाना चाहता है कि किस तरह से ज्यादा जनसंख्या हो जाने की वजह से हमारे संसाधन कम हो रहे हैं उससे किस कि, कि, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्या का समाधान क्या है सामाजिक स्तर पर क्या समाधान है राजनैतिक स्तर पर क्या समाधान है यह सब पर आधारित एक विशेष प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम आप बनाते हैं आधे घंटे या एक घंटे का तो उसमें आपको बहुत रिसर्च की जरूरत है और इस दौरान आपको आंकड़े भी इकट्ठा करने होते हैं आपको दिखाना होता है कि किस तरह के आंकड़े आपके सामने होते हैं ग्राफिक्स की तरह से ग्राफिक्स की मदद से आप अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकते हैं और उसमें उन आंकड़ों को बेहद आकर्षक तरीके से दिखा सकते हैं और इसमें आप कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी अर्थात सीजीआई की हेल्प भी ले सकते हैं अब वीडियोग्राफी में ज्यादातर इंडोर या आउटडोर शूट होता है अब ये डिपेंड करता है कि कहानी का विषय क्या है और तभी तय होता है कि इसकी इंडोर शूटिंग होनी है या आउटडोर शूटिंग होनी है अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है अगर किसी स्टूडियो में आप इन हाउस शूटिंग कर रहे हैं तो उसको इंडोर शूटिंग कहते हैं वहीं पर अगर कहानी की जरूरत के अनुसार आप कहीं लोकेशन बाहर आप ले जाते हैं वहां पर शूट कर रहे हैं तो उसे आउटडोर शूटिंग कहते हैं शोध की जरूरत कार्यक्रम की परिकल्पना से बनती है और साथ में यह तय हो जाता है कि कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और उसके लिए कितनी मेहनत की जरूरत है अब न्यूज कैटेगरी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम बात करते हैं टीवी रिपोर्टिंग की क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पहलू है टेलीविजन प्रोग्रामिंग का तो रिपोर्टिंग का सीधा अर्थ क्या है रिपोर्टिंग का अर्थ है समाचारों का संग्रह और उसकी डिलीवरी यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द न्यूज स्टोरीज देन प्रोडक्शन ऑफ दोज स्टोरीज एंड देन फाइनली प्रेजेंटेशन ऑफ दोज स्टोरीज तो जो बातें कही सुनी या देखी गई हैं उसे सूचना के अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाना ही रिपोर्टिंग कहलाता है घटना स्थल पर जाकर घटना का विजुअल्स लेना और उसे निर्धारित न्यूज फॉर्मेट जो भी टीवी न्यूज लिखने का तरीका है फॉर्मेट्स हैं आपको उस तरीके से लिखना होता है और इसके बाद ग्राफिक्स और विजुअल्स की मदद से एडिटिंग होती है और फिर दर्शकों तक उस खबर को पहुंचाया जाता है एक टीवी पत्रकार के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए पहला तो न्यूज सेंस होना चाहिए बहुत अधिक उसको एक्टिव होना चाहिए अलर्ट होना चाहिए उसके सोर्सेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और संदेह की प्रवृत्ति भी होना चाहिए ऐसा क्यों कहा जाता है ताकि किसी एक सोर्स ने आपको कोई एक इंफॉर्मेशन दे दी है तो आपको उसी पर आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है जो खबर आपको दी गई है उसको क्रॉस चेक करना है किसी दूसरे सोर्स से इसलिए आपको जो है थोड़ा संदेह का प्रवृत्ति आपके स्वभाव में होनी चाहिए दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स आपको पता करना है आपको फैक्ट्स को चेक करना है और दबाव सहने की क्षमता भी होनी चाहिए इसके अलावा आपको बायस्ड नहीं होना है निष्पक्ष होना है जब आप रिपोर्टिंग कर लेते हैं तब उसके राइटिंग का पैटर्न होता है तो राइटिंग के पैटर्न में क्या होता है कि आप सहज सरल और सटीक शब्दों का प्रयोग करें ताकि दर्शकों तक आसानी से आपकी वो न्यूज स्टोरी समझ में आ जाए तो एक न्यूज सेंस हो गया विजुअल सेंस हो गया और टेक्निकल सेंस ये तीन बेसिक क्वालिटीज हैं जो कि एक टीवी में काम करने वाला चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो या वीडियो एडिटर हो इन सबको आना चाहिए अब तीन तरह की पीटीसी होती हैं टू कैमरा ओपनिंग पीटीसी मिड पीटीसी और क्लोजिंग पीटीसी अब ये डिपेंड करता है कि आपका कार्यक्रम किस तरह का है प्रोग्राम किस तरह का बना रहे हैं अगर आप ओपनिंग पीटीसी कर रहे हैं तो अभी आप उदाहरण के तौर पर एक खास कार्यक्रम अगर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर ही बना रहे हैं तो ओपनिंग में आप कैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे इसके बाद मिड पीटीसी में आप किस तरह से जनसंख्या वृद्धि को संसाधनों की कमी से जोड़कर आप एक मिड पीटीसी करेंगे जो कि आपके पैकेज के बीच में उसको जोड़ा जाएगा और लास्ट में क्लोजिंग पीटीसी होगी जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि के खतरों से निपटना है और सरकार को समाज को किस तरह से इस समस्या का समाधान करना है तो खबर के मुताबिक आप किसी भी तरह की जो है पीटीसी कर सकते हैं दो तरह की रिपोर्टिंग होती है एक जनरल रिपोर्टिंग हो गई जिसको रूटीन रिपोर्टिंग कहते हैं जिसमें कैसे कोई मीटिंग है कहीं कोई भाषण है कहीं समारोह है और आपके अपने इलाके में कहीं कोई रोड खराब है ये उसकी आप कवरेज कर सकते हैं दूसरी तरफ होती है स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग विशेष रिपोर्टिंग जिसको बीट रिपोर्टिंग कहते हैं कि अलग अलग बीट है आपकी नॉलेज के अनुसार आपको किस में किस बीट में कितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है आपको उसका नॉलेज है इसमें जैसे राजनीति हो गई पॉलिटिक्स हो गई व्यापार हो गया अदालत का है खेल है स्पोर्ट्स है क्राइम है इस तरह के आप जो है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है ये सब स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग होती है बीट रिपोर्टिंग होती है तो अभी हम बात कर रहे थे कि रिपोर्टिंग के बाद अगर आपको उसका निर्माण करना है स्टोरी का प्रोडक्शन करना है और उसमें टेक्निकल नॉलेज की आपको कितनी जरूरत है तो रिपोर्टर्स को ग्राफिक्स की मदद भी लेनी पड़ सकती है और ग्राफिक्स की मदद से जो स्टोरी में शामिल व्यक्तियों के नाम उनका पद क्या है क्या डेजिग्नेशन है लोकेशन क्या है यह सारा हिस्सा जो है उसको लिख कर देना होता है इसके बाद प्रोड्यूसर उसको स्क्रिप्ट को चेक करता है और वीडियो एडिटर के पास विजुअल्स जाता है स्क्रिप्ट जाती है उसी के अनुसार वीडियो एडिटर एडिट करता है तो कहानी के मुताबिक रिपोर्टर घटना के विजुअल्स को खुद ही एडिट कर लेता है उसके बाद फाइनल एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटर के पास जाता है वीडियो एडिटर स्क्रिप्ट के अनुसार विजुअल्स को फाइनल एडिट करता है वॉइस ओवर को रिकॉर्ड किया जाता है साउंड लेवल चेक किया जाता है और इसके बाद स्टोरी के अकॉर्डिंग स्पेशल इफेक्ट्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं तब जाकर के कहीं एक टीवी के लिए न्यूज स्टोरी तैयार होती है इसके बाद जो बुलेटिन प्रोड्यूसर है जो रनडाउन प्रोड्यूसर है जिसके पास बहुत सी खबरें हैं वो आपकी उस खबर को अपने रनडाउन में लगाता है जहां पर स्टूडियो के डायरेक्टर होते हैं पीसीआर में पैनल प्रोड्यूसर होते हैं विजन मिक्सर होते हैं साउंड इंजीनियर होते हैं ये सब स्टोरी के ऑडियो विजुअल्स की क्वालिटी को टेलीकास्ट करते हैं और इसके बाद स्टोरी ऑन एयर होती है तब जाकर वो टेलीविजन के जरिए आपके घरों तक वो खबर पहुंचती है तो कितनी लंबी प्रक्रिया है आपने देखा होगा कि प्लानिंग प्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन कहने में कम समय लगा लेकिन करने में इसमें बहुत समय लगता है इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टीवी कार्यक्रम का क्या आपका उद्देश्य है उसकी प्लानिंग आपकी कैसी है फिर उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे और फाइनली आप दर्शकों को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद एक रिपोर्टर की खबर दर्शकों तक पहुंचती है यानी डेढ़ या दो मिनट की स्टोरी तैयार करने में न्यूज रूम में जो टीवी का न्यूज रूम होता है उसमें पूरी एक टीम होती है पूरी एक मीडिया कर्मियों की एक टीम होती है जो बैकग्राउंड में काम करती है और जो दर्शक होता है वो सिर्फ एंकर को जानता या पहचानता है तो अब कुछ टेक्निकल नॉलेज की हमने बात की तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं विजुअल सेंस का यानी शॉर्ट्स का किस तरह के जो है शॉर्ट्स का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से वो कैमरा एंगल्स होते हैं तो ज्यादातर टीवी में न्यूज टेलीविजन में मिड शॉट का प्रयोग किया जाता है मिड शॉट का मतलब होता है अप टू योर वेस्ट फ्रॉम हेड टू वेस्ट दूसरा लॉन्ग शॉट होता है जो कि बड़ा होता है और उसमें आपकी एक लोकेशन स्टैब्लिश होती है क्लोजअप होता है जैसे आपको केवल फेस का क्लोजअप लेना है तो सिर्फ चेहरा दिखेगा और अगर एक्सट्रीम क्लोजअप लेना है अगर आपको अपने फेस में सिर्फ आइज को दिखाना है तो सिर्फ वो एक्सट्रीम क्लोजअप का शॉट कहा जाता है और क्लोजअप या एक्सट्रीम क्लोजअप या जूम इन ज़ूम आउट ये सब जो है शॉर्ट uh, का प्रयोग होता है इसके अलावा एक पैन शॉर्ट होता है होरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द कैमरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट और टिल्ट टिल्ट अप होता है टिल्ट डाउन होता है यानी आपको अगर दिखाना यह है कि आ, किस तरीके से टॉप फ्लोर में खड़े होकर के आप कैमरा पर्सन वहां खड़ा है और उसको ग्राउंड फ्लोर का दिखाना है तो टिल्ट अप या टिल्ट डाउन जो है स्टोरी के अकॉर्डिंग कर सकता है और ज्यादातर यह शॉर्ट जो है नॉन न्यूज कैटेगरी के, के जो प्रोग्राम्स होते हैं जो सीरियल्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है फिल्मों में किया जाता है और एक एरियल शॉर्ट होता है एरियल क्या होता है कि इसको हवाई जहाज शॉट भी बोलते हैं कि जैसे कहीं बाढ़ आई हुई है और आप हवाई दौरा कर रहे हैं तो वहां पर आपको जो प्लेन होता है एरोप्लेन होता है वहीं पर कैमरा पर्सन होता है वहां से उसको पूरा वो शूट करता है इसके अलावा कट अवेज भी होते हैं इन शॉट भी होते हैं अब यह होता क्या है एक्चुअली इसमें यह होता है कि ज्यादातर जो फ्रेम है उसमें अलग अलग एक्शन है और उसमें कोई एक विषय हो सकता है या फ्रेम से संबंधित कोई एक्शन वहीं पर कट हो सकता है और यह सारे शॉट फ्रेम के अंदर किसी एक भाग का क्लोजअप हो सकता है उदाहरण के तौर पर हाथ का मूवमेंट हैंड मूवमेंट अब इसको आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आप किसी का वन टू वन इंटरव्यू ले रहे हैं अब आप किसी मुद्दे पर सीबीआई डायरेक्टर का अगर वन टू वन इंटरव्यू ले रहे हैं तो एक तो जनरल तरीका होता है कि मिड शॉर्ट आपने एक फ्रेम बना लिया और उसी पे आप सवाल कर रहे हैं उसी पे वो जवाब दे रहे हैं दूसरा तरीका ये होता है कि एक जनरल शॉर्ट लेने के बाद आपने कुछ कट अवेज ले लिए कट अवेज में जो सीबीआई डायरेक्टर है उसके कभी हैंड मूवमेंट पर आपने फोकस किया कभी उसके फेस पर फोकस किया तो इस तरीके से जो छोटे छोटे शॉर्ट होते हैं ये आपके विजुअल्स को बहुत क्रिएटिव बना देते हैं इसलिए कट अवे शॉर्ट का लेना भी बेहद जरूरी होता है अभी हमने इंटरव्यू का एग्जाम्पल दिया तो इसमें एक शॉर्ट का प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है ओवर द शोल्डर शॉर्ट यह शॉट उस व्यक्ति के पीछे से बनाया जाता है जो उस विषय को देख रहा है इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसका सामना करने वाले व्यक्ति को जिसको पीछे से शॉर्ट करके बनाया जा रहा है आमतौर पर लगभग एक वन बाई थर्ड फ्रेम पर उसका जो है कब्जा होता है यानी आपको इस तरह से दिखाया जाता है कि जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका फेस दिख रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है उसका भी फेस दिख रहा है या बैकग्राउंड दिख रहा है तो कंधे पर रख करके कैमरा पर्सन इस तरह के शॉट को लेता है यह शॉट प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को स्थापित करने में मदद करता है और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक व्यक्ति को देखने का इससे अनुभव भी मिलता है तो दो लोगों की बातचीत के दौरान इन शॉर्ट्स के बीच कट करना एक साधारण सी बात है एक आम बात है अब वीडियो कैमरे में फ्रेमिंग की बात करते हैं फ्रेमिंग के जो सबसे एक इंपॉर्टेंट रूल होता है और बेसिक रूल होता है वो होता है रूल ऑफ थर्ड अर्थात ये, ये नियम फ्रेम को नौ भागों में बांटता है इस नियम के अनुसार मानसिक रूप से आपकी छवि को दो छैतीज रेखाओं यानी होर्जेंटल लाइन्स में प्रयोग किया जाता है और दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं वर्टिकल लाइन्स में उसका प्रयोग करके विभाजित किया जाता है इसमें मुख्य विषय को बीच में रखा जाता है इसके बाद फ्रेम को वन थर्ड या टू थर्ड के हिसाब से तय किया जाता है इसका उपयोग करते समय आप ये ध्यान में रखें कि उस फ्रेम में सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है उसके बाद उस एलिमेंट को इन लाइंस पर आप रख सकते हैं हेड रूम या हेड स्पेस की बात कर लेते हैं इसमें यह होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके सिर के ऊपर कितना ज्यादा आपने जगह छोड़ी हुई है तो हेड रूम विषय के सबसे ऊपरी भाग और फ्रेम के सबसे ऊपरी भाग के बीच की जगह को कहा जाता है ज्यादातर वीडियो में एक आम आदमी अधिकतर यही गलती करता है कि वो हेड रूम का स्पेस बहुत ज्यादा छोड़ देता है इससे क्या होता है कि आपका विजुअल्स उतना अट्रैक्टिव नहीं होता उतना क्रिएटिव नहीं होता इसलिए हेड रूम को भी एक कैमरा पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए कि उसको ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी व्यक्ति के क्लोजअप शॉट या एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट में हेड रूम बेहद कम होना चाहिए तो इस तरीके से फ्रेमिंग और लाइटिंग बेहद इंपॉर्टेंट है और उस फ्रेम में उसका बैकग्राउंड क्या है यह भी ध्यान में रखना चाहिए लाइटिंग का अरेंजमेंट कैसा है वो सही है या नहीं है इसका भी ध्यान रखना चाहिए तो जो कैमरा के में अपना करियर बनाना चाहते हैं सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं बड़े कैमरा पर्सन बनना चाहते हैं वो किसी भी तरह के टीवी प्रोग्राम्स में हो उनको कैमरे की लाइटिंग का शॉर्ट्स का और फ्रेमिंग का इन सब की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए अब एक बात करते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है वो चाहे आप टीवी प्रोग्रामिंग में हो टीवी रिपोर्टिंग में हो या यहां तक कि आप जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स बना रहे हैं उसमें हों तो हर एक चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है और आपको वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना है क्योंकि आप जनसंचार का एक माध्यम है और जनसंचार की माध्यमों की जिम्मेदारी समाज के प्रति होती है चाहे वो आप समाचार बना रहे हो या फिर कोई, कोई स्पेशल कार्यक्रम बना रहे हो इसलिए आपको इस आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखना होता है किसी भी खास विचारधारा से प्रभावित होकर आपको आप कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए और न ही उसका प्रकाशन या प्रसारण करना चाहिए आपको हर हाल में अनबायस्ड रहना है निष्पक्ष रहना है कोई भी खबर है किसी भी तरह का विजुअल्स है या ग्राफिक्स है अगर उसमें कोई रेप विक्टिम है तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है उसकी आइडेंटिटी को छिपाना है इस तरह से आप उसके विजुअल्स को ब्लर करके इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट्स पर आधारित जो खबरें होती हैं उनको ध्यान में रखना होता है ताकि न्यायालय की अवमानना न हो आपको जो है इस बात का ध्यान में रखना है और आखिर में अफवाह पर आधारित खबरों को बिल्कुल नहीं ध्यान देना है और अफवाह पर आधारित कार्यक्रमों का निर्माण भी नहीं करना है इस तरह से आप एक अच्छा टीवी पत्रकार बन सकते हैं एक अच्छे टीवी कार्यक्रम का आप निर्माण कर सकते हैं धन्यवाद